इस छोटी सी मुलाकात में बात दो शब्दों की, एक फजीहत, दूसरा फजीलत। जी हाँ, फजीहत और फजीलत, इसको फजीहत या फजीहत न कहें और फजीलत या फजीलत भी न कहें, ये है फजीहत और फजीलत। ठीक है, दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं। इनके अर्थ क्या हैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। हमारे वीडियोस के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें और मुझसे जुड़ जाइए खबरी ऐप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर, शेयर चैट पर, फेसबुक पर, और ईमेल के जरिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर अगर चाहिए तो एक वीडियो मौजूद है इसी चैनल पर, उस वीडियो को देखिए और हासिल कर लीजिए मेरा फ़ोन नंबर। उसके बाद आप व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब बात फजीहत और फजीलत की। पहले फजीहत, अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका अर्थ है इंसल्ट, अपमान, बदनामी, अपयश, निंदा, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको फजीहत। और सेंटेंस कई तरह से इसके होते हैं, जैसे कि भाई आज तो बड़ी फजीहत हो गई यार, आज तो भाई हद हो गई, तो इसका मतलब होता है भाई आज तो बड़ी इंसल्ट हो गई यार, बड़ी आज मेरी मतलब बदनामी हो गई, आज बड़ी किरकिरी हो गई है ना। तो ये फजीहत का एक सिंपल यूज़ है। इसके बाद फजीलत, फजीलत का मतलब होता है अहमियत, श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा, वरीयता वगैरह। आम तौर पर इसका सबसे ज़्यादा जो अर्थ चलता है वो है अहमियत, और ये मुस्लिम लोगों में आम तौर पर शब्द चलता है जब हम बात करते हैं कि भाई दुरूद शरीफ की बड़ी फजीलत है, या कलमे की बड़ी फजीलत है, या फलां दुआ की बड़ी फजीलत है। ठीक है, फजीलत, तो अहमियत इसका सिंपल अर्थ है। तो आज आपने जान लिया दो शब्दों के बारे में, फजीहत और फजीलत। अगर आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं तो मोइन शमसी मौजूद है आपके लिए, जल्दी से पूछ डालिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना हर सवाल भेज दीजिए मुझे, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आता हूं बहुत जल्द लेकर कोई और बढ़िया सी बात आपके लिए। फिलहाल मोइन शमसी को इजाजत दीजिए, सलाम हिंदुस्तान।